साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर चैतन्य स्टडी पर। ठीक है, और इस स्वागत समारोह में आप फिर से यही सुनेंगे कि BPSC की जो परीक्षा है वो कैंसिल हो गई है। ठीक है, ये कोई पहली ऐसी परीक्षा नहीं है अपने देश की जो कि कैंसिल हुई है। इसके पहले भी तमाम ऐसी परीक्षाएँ हैं जो कैंसिल हुई हैं या फिर पोस्टपोन्ड हुई हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पेपर जो है वायरल हो गया हो या फिर कुछ अन्य गड़बड़ियाँ परीक्षा में पाई गई हों। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ट्वीट हैं और ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, 67 भी जो BPSC की आपकी परीक्षा है, ठीक है, जो होने वाली थी आज और हुई भी है, तो अब वो कैंसिल हो गई है। ये फ्री प्रेस जनरल का ये एक ट्विटर अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की न्यूज़ आई है कि आपका जो बिहार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है आफ्टर पेपर गेट्स लीक, यानी कि परीक्षा जो है भाई वो लीक हो गई थी। और ये रहा प्रेस विज्ञप्ति, इसमें बताया गया है कि 67वीं प्रारंभिक संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है एवं वायरल प्रश्न पत्र के मामले की जाँच साइबर सेल से कराए जाने हेतु DGP बिहार से अनुरोध किया गया है। खैर, परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है, ये निर्णय अच्छा है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ये सभी हम लोग उम्मीद रखेंगे शासन से, प्रशासन से। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैतन्य शेट्टी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परीक्षा के कैंसिल होने पर और परीक्षा में गड़बड़ियाँ पाए जाने पर आपकी क्या विचारधारा है, क्या विचार आपके बनते हैं? समस्त प्रकार की परीक्षाएँ, जितनी परीक्षाएँ जो हो रही हैं लगभग वो किसी न किसी वजह से या तो कैंसिल हो जाती हैं या फिर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी छोटी मोटी जरूर देखने को मिलती है। तो उस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।